Oh no! ये पत्थर मुझे किसने मारा? पूरा दूध मेरा गिरा दिया नीचे। अब मजा आएगा बीड़ू। पता नहीं ये पत्थर मुझे किसने मारा है? हाँ? मेरा दूध वाला बाल्टी भी किसी ने गिरा दिया है। Oh no! अरे ये कौन है? ए रुक, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया? कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है क्या? बाहर निकलो, इधर बैठकर बताओ तुम। ए बाहर निकल। चौधरी साहब इसको मेरे हवाले कर दो, तुम्हें पता नहीं इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। चौधरी साहब मुझे अल्लाह के नाम पे बचा लो, ये मुझे बहुत मारेगा। हाँ बता, इसने क्या नुकसान किया तुम्हारा? चौधरी साहब ये बड़ा शैतान आदमी है, इसने मुझे पत्थर मारा और मेरा सारा दूध गिरा दिया है, और इसने मेरे हजारों का नुकसान किया है। क्या ये सच कह रहे? क्यों गिराया तुमने इसका दूध? चौधरी साहब अगर मैं इसका दूध ना गिराता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। चौधरी साहब ये झूठ बोल रहा है, अपना जान बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सच बताओ क्या मच रहा है? चौधरी साहब बात है ऐसे, मैं सुबह सुबह रास्ते से आ रहा था, ये बंदा दूध में जहरीला केमिकल मिला रहा था। पानी को दूध बनाने वाली केमिकल मुझे मिल गई। मेरा क्या, लोगों का सेहत खराब होता है तो होने दे। हाँ इतना गंदा केमिकल, रुक दूध वाला तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। चौधरी साहब मैं सबूत भी साथ लेके आया हूँ, ये देखो। अरे ये तो वाकई केमिकल है। चौधरी साहब मैं इसका दूध ना गिराता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि इसका दूध पूरे शहर में सप्लाई होता है, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी पीते हैं, उनकी जान को खतरा होता है, इसलिए मैंने दूध गिराया। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई दूध वाले, क्या सजा दूं तुम्हें? सरकार इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी सजा ये है कि तू आज के बाद इस गांव में नजर नहीं आना। अगर तू नजर आया तो तुम्हारा घर और दुकान जब्त करके इस गांव वालों में तकसीम कर दूंगा। चल दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपका हुक्म का तामीर करता हूँ। शाबाश बेटा, वेल डन, ऐसे ही काम करते रहो। जाओ अब। हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज एक शेयर कर दें।